रेली सावल एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RS Biker। सो हम सब जब दिमाग में वर्ड सोचते हैं सुपर बाइक, सो सभी का मन होता है सुपर बाइक चलाने का। बट सुपर बाइक के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत कि जिसके नाम में सुपर है उसमें सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। जो बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स आती है 1000 cc 1200 cc बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ट्रैफिक में मनूवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो कोई भी राइडर जो 300 400 cc से अपग्रेड करता है वो सुपर बाइक को एन्जॉय ही नहीं कर पाता एंड बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। तो उसी का सोल्यूशन है ये बीस्ट, ये है कावासाकी की निंजा 650 2022 एडिशन। अब ये जो है वो 650 cc के एक सुपर बाइक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी टू मैनेज है, यानी कि बहुत क्लच वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट है, ट्रैफिक में मनूवर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। लाइक आप पावर आपको पूरी मिलेगी एंड मनूवरेबिलिटी जो है वो पूरी मिलेगी। तो आज इसी के बारे में बातें होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बाइक के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं बाइक की की से। तो आप देख सकते हैं ऐसी जो है आपको कुछ की देखने को मिलते हैं कावासाकी की, ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में जो है आपको यही की मिल जाती है। सो यहाँ पे जो है वो इस की को कर देते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट। सो यहाँ पे जो है वो की इंसर्ट होती है एंड वेलकम फीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो तगड़ा दिया गया। इस TFT के बारे में भी जो है वो वीडियो में आगे बात हम करेंगे, फिलहाल बात करते हैं इस फ्रंट लुक के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से दिखने में ये ज़्यादा जो है वो इस बार मस्कुलर लग रही है, 2022 वेरिएंट थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर जो है वो साइड पे बनाया गया है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो ऑल LED हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो विंडशील्ड है इसको अब ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है एंड ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो इस विंडशील्ड को 2022 में कर दिया गया है। ये जो है वो मिरर्स है, मिरर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड यहाँ पे दिखते हैं। नीचे के फेंडर की बात की जाए तो ये जो है वो वाइट कलर में फेंडर दिया गया एंड ये बाइक को जो है वो बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। डिस्क ब्रेक्स की बात की जाए तो फ्रंट में भी आप देख सकते हैं कि ड्यूअल डिस्क जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब ये जो टायर्स है इस टायर्स को भी जो है वो यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड स्पोर्ट Z लिखा गया है। तो हाँ, ये ड्यूनलोप के जो है वो टायर्स आपको फ्रंट एंड रियर में दे दिए गए हैं एंड ये जो है वो बहुत ज़्यादा हायर CC बाइक्स में एंड बहुत ज़्यादा महंगी बाइक्स में इस कंपनी के टायर्स जो है वो आपको जनरली मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो फ्रंट से जो है वो आप देख सकते हैं कि बाइक दिखने में बहुत ही ज़्यादा शार्प सी है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर सी जो है वो ये बाइक आपको दिखती है। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के साइड लुक के बारे में। तो यहाँ पे साइड से बात की जाए तो साइड में सबसे पहले ग्राफिक्स एंड कलर स्कीम चेंज है, दिखने में अब जो है वो ये ज़्यादा खूबसूरत एंड ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। तो मुझे जो है वो बाइक दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगी एंड कलर स्कीम भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। सो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है निंजा, नीचे जो है वो थोड़े बहुत ग्राफिक्स जो है वो दिए गए। ये जो पैनल है इसमें तीन रंग को जो है वो मिक्स किया गया है, ग्रीन वाइट एंड ग्रे। सो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे ये ग्राफिक्स दिखते हैं। तो यहाँ पे इस बाइक का जो ये जान है बोल सकते हैं ये है ये इंजन, 649 cc का पैरेलल ट्विन इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो एग्जॉस्ट पाइप निकल रहा है एंड ये जो इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम RPM पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवरी देता है, जो कि सिटी ट्रैफिक में मनूवर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ में ये बाइक आती है। करीबन 68 BHP जो है वो ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है एंड 64 Nm का पीक टॉर्क आपको देता है। तो आप जो है वो लिटरली एक बहुत ज़्यादा हल्की साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक जो है वो यहाँ पे चलाते हैं। इसी के नीचे लगा हुआ है ये एग्जॉस्ट, तो एक बार जो है वो एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ एंड फिर जो है वीडियो में आगे बातें करते हैं। तो यहाँ पे इस रियर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अगर पीछे कोई पिलियन बैठा है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब रेल्स दी गई है। फुट पैक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसकी पोजीशन आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये भी जो टायर है ये भी रोड स्पोर्ट्स Z टायर आपको दिया गया है एंड 160 सेक्शन का टायर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सा जो है यहाँ पे आपको टायर मिलता है। यहाँ पे भी जो है वो अगेन डिस्क ब्रेक्स दी गई है एंड निसिन के जो है वो यहाँ पे आपको कैलिपर्स मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे आपको मिलती है। इसी के अलावा इस रियर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो एक LED टेल लाइट मिल जाती है जो कि X शेप में जो है वो यहाँ पे जलते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छी भी जो है कहीं ना कहीं दिखती है।
इस साइड की बात की जाए तो इस साइड जो है कुछ खास चीज़ें नहीं है, यहाँ पे जो है गियर लीवर मिल जाता है एंड ये बाइक जो है वो 6 फीट गियर बॉक्स के साथ में आती है। तो अब जो है वो एक बार आपको बाइक का सीटिंग कम्फर्ट दिखाता हूँ एंड फिर जो है वो आगे की बातें करते हैं। सो अभी जो है वो मैं ये बाइक पे बैठा हूँ आपको सीटिंग कंफर्ट दिखाने के लिए। तो सबसे पहले सीट की बात करूँ तो सीट जो है वो एकदम इनफ साइज़ की जो भी यहाँ पे आपको दी गई है अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट मिल जाता है एंड पिलियन सीट पे भी जो है वो अच्छा खासा स्पेस बच जाता है। अब सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो कुछ ऐसे जो है वो आप इस बाइक पे बैठते हैं, सीटिंग पोस्चर जो है वो स्पोर्टियर साइड पे है बट यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट आपको सीटिंग पोस्चर मिल जाता है जिसकी वजह से आपको वो स्पोर्टियर वाली थकान नहीं मिलती। फुटपैक्स वगैरह की सारी जो पोजीशन है वो स्पोर्टियर साइड पे है पर ये जो हैंडल है ये एकदम ही जो है वो अपराइट आपको मिल जाता है जिसकी वजह से जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। एंड मैं कहना चाहूँगा कि सिटी में अगर आपको सुपर बाइक चलानी है प्लस आप जो है वो हाईवे राइड्स करना चाहते हैं तो इससे बेहतर सीटिंग पोस्चर आपको कोई भी स्पोर्ट बाइक्स में नहीं मिल सकता। तो सीटिंग पोस्चर को जो है मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा। सो यहाँ पे जो है हमने इस बाइक के सारे फीचर्स के बारे में बात की, आपको सीटिंग पोस्चर दिखाए, अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट देने की एंड फाइनल प्राइसिंग बताने की। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है करीब 6.68 लाख रुपीस एक से शोरूम। सो उस प्राइस के लिए क्या ये बाइक वर्थ इट है? सो मैं कहूँगा कि बेशक अगर आप चाहते हैं आप जो है वो अपग्रेड करते हैं 300, 400, 500 cc है तो डायरेक्ट कभी भी जो है वो 1200 cc तक ना जाए, पहले जो है वो कुछ ऐसी मशीन लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल साथ में बहुत ज़्यादा मनूरेबल मशीन है एंड काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो है वो इसकी तारीफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड अगर आप सुपर बाइक इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। सो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड अगर आपको बाइक अच्छी लगे तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कावासाकी सूरत या फिर प्रेस्टीन कावासाकी सूरत, तो इन्होंने जो है वो मैं ये बाइक को प्रोवाइड किया है एंड इनका शोरूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से सेटअप किया है। इनकी जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कावासाकी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं आप जो है वो इन्हें बेशक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कुछ भी डाउट है नीचे कर दीजिए कमेंट। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।